हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों का पेपर होगा, वो लोग सोच रहे हैं कि सर मेरा जियो टेक्निकल का पेपर है, क्या पढ़ूं, क्योंकि जियो टेक कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है। तो और दूसरी चीज़, कुछ लोगों का अभी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, कुछ लोगों को 25 तारीख को, डिफरेंट डिफरेंट BMC एंड अलग अलग एग्ज़ाम है अलग अलग स्टेट में। तो दोस्तों, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। आपको कैसा लगेगा इसको देखिएगा, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको और अदर किसी सब्जेक्ट का भी नॉलेज चाहिए, लाइक सोम का या मैकेनिक्स का या स्टील का या किसी और सब्जेक्ट का आपको नॉलेज चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और साथ ही साथ जो नए लोग हैं, प्लीज़ वीडियो को पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और शेयर तो करना ही करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो तभी हम दूसरा वीडियो लेके आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या चाहिए जियो टेक्निकल में, ये हम ऐसा नहीं करते कि हम इस PPT में पूरा जियो टेक कवर करवा देंगे आपका, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ आपको टॉपिक बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, जिसको आप चाहे यहाँ से पढ़ लीजिए चाहे बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आपको कंप्लीट करना है। तो मैं सबसे पहले तो कर्सर तैयार कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने पेन कर दिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए आपको, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं सॉइल के, 3 फेसेस ऑफ सॉइल सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल सिस्टम एंड इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस, सॉइल वाटर परमिबिलिटी, सीपेज प्रेशर, कॉम्पैक्शन कॉन्सेंट्रेशन, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप्स, लैंड स्लाइड्स, सेटलमेंट ऑफ सॉइल, वीरिंग कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ शेयर फेलोर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। सो प्लीज़ इन सब टॉपिक्स को अच्छे से सबसे पहले पढ़ लेना। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इनका हमने इंट्रोडक्शन तैयार किया, साथ ही साथ इस PPT को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच इन सिविल इंजीनियरिंग विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, सॉइल का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, राइट। सॉइल इंजीनियरिंग, रॉक मैकेनिक्स एंड रॉक इंजीनियरिंग, इट इज वन विच इन कॉम्पेसेस नॉट ओनली मैकेनिक्स और जियोटेक्निक बट ऑल्सो सॉइल डायनेमिक्स। उसका अलग अलग फेस पे क्या रिजल्ट होगा सॉइल का, वो भी हम लोग इसके अंदर देखते हैं, ओके। पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड मेनी अदर डिसिप्लिन्स विच आर फ्रिक्वेंटली इसेंशियल टू ऑब्टेन प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड्स। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूँ, सबसे पहले कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसका पहला काम होता है कि उसके सॉइल की टेस्टिंग हो। सो जियो टेक्निकल बहुत ही इवन स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है जब हमें सॉइल टेस्ट करना होता है, क्योंकि बिना सॉइल टेस्ट के आप कुछ कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं? एप्लीकेशन होते हैं फाउंडेशन डिज़ाइन, पेमेंट डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ अर्थ डैम, अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ एम्बेकमेंट, डिज़ाइन ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, इसमें आप फाउंडेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है, राइट। तो दोस्तों, ये कुछ एप्लीकेशन होते हैं। थ्योरी पेपर में पूछ लिए जाते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं कि हम लोग सॉइल के लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स, और उसमें से सबसे पहले आप देखोगे टाइप्स ऑफ सॉइल। कुछ लोगों ने क्ले देखा होगा, मतलब कुछ लोग के घर के पास में होगा क्ले, कुछ लोगों के पास होगा यहाँ पे लोम, और कुछ लोग सैंड देखते होंगे और कुछ लोग सिल्ट देखते होंगे। हमने क्ले देखा है और हर एक की अपनी अलग अलग खासियत है। वैसे ही रॉक के बारे में पूछ लिया जाता है, टाइप्स ऑफ रॉक। परेशान नहीं होना यार, केवल 3 टाइप्स है, इग्नेशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। कॉलेज में पढ़ा होगा आपने, और कुछ लोग कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उनका पेपर होगा तो उनसे पूछा जा सकता है ये। उसके बाद 3 फेसेस ऑफ सॉइल सिस्टम। 3 फेसेस ऑफ सॉइल सिस्टम में क्या बोलते हैं? एयर, सॉलिड्स, वाटर, ऐसे होता है। और इसको अलग अलग यहाँ डिनोट करोगे तो ये वाटर होता है, ये एयर होता है और ये सॉलिड्स होता है, ठीक है। तो इसके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, कब कैसा ये बिहेव करेगा। सैचुरेटेड कंडीशन होता है, इसमें वाटर जो होता है ऊपर आ जाता है और सॉलिड्स यहाँ पे नीचे आ जाता है। ड्राई कंडीशन में देखा होगा आपने, पूरा हवा भरा हुआ है, सॉलिड्स है और वाटर अलविदा हो गया है, राइट। तो इस तरीके से होता है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनमें, पता पहला होता है यहाँ पे इंडेक्स प्रॉपर्टीज, और दूसरा होता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो आपसे लिखने के लिए आ सकता है। और अगर आपने इन दोनों को लिख दिया कि इंडेक्स प्रॉपर्टी और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, सामने वाले को लगेगा आपने बहुत डीप में जाके स्टडी किया है उस चीज़ को, बट आपने भले ही इतने ही कम स्टडी किए हैं। थोड़ा सा इनको डिफाइन कर दीजिए, जैसे कि पार्शियल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में परमिबिलिटी। सबको पता है कि क्या बोलते हैं, अगर कोई आपने जैसे कंक्रीट का भी परमिबिलिटी टेस्ट करते हो ना आप, ऐसे सॉइल का भी, अगर उसके अंदर से वाटर क्या ड्रेन हो रहा है कि नहीं नीचे, तो उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए डायग्राम से, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। कंप्रेसिबिलिटी, सीयर स्ट्रेंथ, अब उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आपसे याद हो सके तो उसे कुछ ज़्यादा नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं। जैसे कि वाटर कंटेंट निकालना है तो वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100, तो परसेंट। तो यहाँ पे इस तरीके से वाइड रेशियो का, पोरोसिटी का, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डेंसिटी, यूनिट वेट, बल्क यूनिट और ड्राई यूनिट, इनके फॉर्मूले हैं। कुछ और फॉर्मूले हैं जैसे कि सेचुरेटेड यूनिट वेट और सेचुरेटेड वाटर वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, नहीं पता आप सिर्फ फॉर्मूला लिख दो आपका काम हो जाएगा। मीन्स आपको लिखना ही लिखना है, एयर कंटेंट निकालना है, वैल्यूम ऑफ एयर बाई वैल्यूम ऑफ सॉइल, बस छोटा सा फॉर्मूला। इससे आप फॉर्मूला भी निकाल के आप डिफिनेशन भी तैयार कर सकते हो। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है सॉइल वाटर्स, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर, जिसके अंदर पानी होता है। अब इसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है, ब्रॉड कैलो क्लासिफिकेशन, फिनोलॉजिकल बेसिक्स एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। हर एक अलग अलग तरीके से देख सकते हो, फ्री वाटर और हेल्ड वाटर। हेल्ड वाटर को दो तीन तरीके से देखा जाता है, स्ट्रक्चरल वाटर, एब्जॉर्ब वाटर एंड कैपिलरी वाटर। और फिनोलॉजिकल बेसिक्स में ग्राउंड वाटर जो आप देखते हो, कभी देखते हो, चेक करते हो ना कि वाटर, ग्राउंड वाटर कहाँ का कितना है, कैपिलरी वाटर, एब्जॉर्ब वाटर एंड इनफिल्टर वाटर, कितना फिल्टर नहीं होता। और इसके बाद पोर वाटर, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में देखते हो पोर एंड कितना पोर इवेंट है, और उसके बाद सॉल्वेंट, उसके बाद एब्जॉर्ब वाटर और स्ट्रक्चरल वाटर। इस तरीके से आप वाटर कंडीशन देखते हो कब, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में, राइट। अभी देखो पीछे हम लोगों ने पूछा, पढ़ा था ना परमिबिलिटी, पूछा जाता है हर टेस्ट में परमिबिलिटी पूछा जाता है, कुछ नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल विच परमिट्स द पैसेज, मतलब अलाउ करे पैसेज और सीपेज वाटर थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वाइड्स। इसके वाइड्स ऐसे तो नहीं है कि इससे वाटर हो रहे हैं कि फॉल की नहीं हो रहे नीचे, ठीक है। और इसके बाद पूछ लिया था व्हाट इज डार्सी लॉ, नाम तो सुना होगा बट कंफ्यूज हो गए होंगे। तो डार्सी लॉ क्या है, इन 1856 डार्सी स्टडीड एंड डिमोस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द वेलोसिटी ऑफ लेमिनार फ्लो, आपने हाइड्रोलिक में पढ़ा होगा लेमिनार एंड टर्मिनार फ्लो, थ्रू होमोजीनियस सॉइल मास व्हिच स्टेट दैट, बस इतना याद करना है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मतलब क्यू इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए, जहाँ पे आपका ए जो होता है टोटल एरिया ऑफ सॉइल मास परपेंडिकुलर टू द फ्लो, एंड आई क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एंड के क्या है डार्सी कोफिशियंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्यू आपको कभी कभी निकालने के लिए दे देता है, तो आपको अगर न्यूमेरिकल भी आता है कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो डार्सी लॉ, उसे मैक्सिमम डार्सी लॉ ही आता है। और उसमें जब डार्सी लॉ आप लिखिए तो प्लीज़ वहाँ पे ये ईयर मेंशन कर दीजिए, तो सामने वाले जो टीचर होते हैं उनको लगता है कि नहीं यार इन्होंने काफ़ी डीप में जाके पढ़ा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्वीफर, ठीक है। काफ़ी लोग देखते होंगे कि अलग अलग लेवल्स आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा कि अलग अलग लेवल्स होते हैं अर्थ पे, उसके बाद फिर वाटर होता है, फिर अर्थ होता है, फिर वाटर, इस तरीके से उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो जब भी कोई आंसर लिखिए तो प्लीज़ उसमें आंसर के साथ एक ऐसा ही छोटा सा डायग्राम डाल दीजिए। अब वहाँ पे तो गूगल नहीं है तो डायग्राम आप बना सकते हो, कैसे, यहाँ पे दिखा सकते हो एडसेंटर वॉल होती है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है अनक्वालिफाइड एक्वाफर है, उसके बाद सेमी क्वालिफायर है, उसके बाद इस तरीके से आप जब इस डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे ना तो सामने वाले को लगता है नहीं इन्होंने पढ़ा है। दे आर परमिबल फॉर्मेशन हैविंग स्ट्रक्चरल विच परमिट्स एप्रिसिबल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू मूव थ्रू देम अंडर ऑर्डिनरी फील्ड कंडीशन, मतलब नीचे जाने के लिए अलाउ करता है, राइट। और यहाँ पे क्या है, एक्यूक्लेट्स आर द इम्परमिसिबल फॉर्मेशन विच कंटेन वाटर बट आर नॉट कैपेबल टू ट्रांसमिटिंग, ये ट्रांसमीटर कर देता है मतलब भेज देता है वाटर को, और ये और सप्लाई द सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी नहीं कर पाता है, बस। इसके बाद है आपका यहाँ पे सीपेज प्रेशर, देयर इज एन एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द वाटर एंड सॉइल ड्यू टू द विस्कस फ्रिक्शन,
extracted on water flowing through the soil porous. ये देखिए यहाँ पे सीपेज प्रेशर आपसे पूछा जा सकता है, पी एच इक्वल टू एच इन टू गामा डब्लू. यहाँ पे एच क्या है, हाइड्रोलिक हेड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका गामा डब्लू क्या है, आपका यूनिट वेट ऑफ द वाटर. सबको पता है कितना होता है यूनिट वेट ऑफ द वाटर, 1000, ठीक है, के जी पर मीटर क्यूब. इसके बाद कॉम्पेक्शन, कॉम्पेक्शन आपको पता होना चाहिए, कॉम्पेक्शन से रिलेटेड क्या, कॉम्पैक्ट कैसे करते हैं पूछा जाता है, कॉम्पैक्ट क्यों करते हैं, एयर वाइड्स को निकालने के लिए करते हैं, इस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बन सकता है. सो कॉम्पेक्शन को अच्छे से पढ़िए. द प्रोसेस वेयर द डेंसिटी इज इंक्रीज बाय द रिड्यूसिंग ऑफ द वाइड्स. मतलब ये देखिए यहाँ पे था, इसको प्रेस किया तो क्या हो गया, ये कॉम्पैक्टेड हो गया. तो ये देखिए यहाँ पे वाइड्स जो यहाँ पे थे वो सारे वाइड्स यहाँ पे निकल गए हैं, ठीक है. इसके अलग अलग फैक्टर अफेक्टिंग क्या कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल. जितनी अच्छी सॉइल होगी उतना अच्छा उसका कॉम्पैक्शन हो सकता है. अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, कितना कॉम्पैक्ट कर रहे हो, वाटर कंटेंट उसके अंदर वाटर कितना है, और एडमिक्सचर क्या यूज कर रहे हो अगर वो कॉम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कॉम्पैक्शन को लेके, ठीक है. इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कंसोलिडेशंस, ठीक है. कंसोलिडेशंस इज एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय एयर. मतलब एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द डिक्रीज इन वाटर, मतलब वाटर क्वांटिटी को कम करना है, और एयर को भी वहां पे क्या लिखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय एयर, ठीक है. इसका फॉर्मूला होता है कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन, CV इक्वल टू ए वन प्लस ई नॉट बाई ए वी इन टू के वाई आर डब्ल्यू. ओके, तो कंसोलिडेशन से भी क्वेश्चन आपके तैयार हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी फोकस करिएगा. सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सीयर स्ट्रेंथ तो हर चीज़ का इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कंक्रीट हो चाहे सॉइल हो. सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स दैट कैन स्लाइड्स एंड रोल रिलेटिव टू वन अनदर. Shear strength of soil is equal to the maximum value of shear stress that can be mobilized within the soil mass without failure taking place. ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है tau f equal to c plus यहाँ पे अल्फा tan अल्फा. तो यहाँ पे tau क्या होता है, shear stress होता है. तो इससे भी आपको numerical या तो आ सकता है या पूछ सकते हैं what is the how to calculate the shear strength of the soil. तो आप इसको थोड़ा सा explain कर देंगे तो आपके लिए better होगा. Earth pressure, अर्थ प्रेशर में आपसे पूछा जा सकता है, द लेटरल अर्थ प्रेशर इज द प्रेशर दैट सॉइल एक्सटर्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. देखा होगा आपने अर्थ की स्लाइडिंग, ऐसे मिट्टी है और वो धीरे धीरे स्लाइड होने लगता है, राइट. तो अर्थ प्रेशर अगर नहीं है उस पर, अगर आपका प्रेशर नहीं लग रहा तो क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, राइट. तो उसके लिए आप क्या करते हो, स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट इन फील्ड रिटेनिंग वॉल करते हो, या वॉल ऑफ बेसमेंट में वॉल क्रिएट करते हो, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाते हो, ब्रेक वाटर एंड सी वॉल्स बनाते हो, अर्थ डैम बनाते हो, टनल स्लाइड्स एंड सीलिंग ऑफ टनल्स बना के आप अर्थ प्रेशर को कंट्रोल करते हो, राइट. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, अब देखिए स्लोप्स ना अलग अलग टाइप के स्लोप्स होते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, जैसे एक दो डायग्राम्स बनाना पड़ता है, जैसे लीनियर सिस्टम ये है अर्थ का, फेल्योर ऑफ लीचेस, और ये क्या है, फेल्योर ऑफ फाइनल कवर सिस्टम, इस तरीके से फेल्योर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है. उसके बाद सॉइल स्लोप्स एंड टी फ्लोप्स, तो इसमें से आपसे पूछा जाता है कि फेल्योर ऑफ लीचर्स क्या होता है, फेल्योर ऑफ फाइनल कवर सिस्टम क्या होता है. तो उस टाइम पे बस ये बनाइए और दो लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है. और उसके बाद इसे फाउंडेशन फेल्योर थ्रू सब सॉइल लीनियर, जब स्लाइड होने लगता है तो फिर क्या होता है, फाउंडेशन में फेल्योर आ सकता है. तो इसके कंडीशंस से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंडीशंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा. जैसे कि देखिए यहाँ पे रोटेशनल लैंडस्लाइडिंग क्या है. अब अगर आपको ये डायग्राम आपके दिमाग में है तो आप इसके लिए डेफिनेशन तैयार कर सकते हो क्या, स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो ना, कि स्टेप बाय स्टेप लैंडस्लाइडिंग इज कॉल्ड रोटेशनल लैंडस्लाइडिंग, ट्रांसलेशनल लैंडस्लाइडिंग, ये देखिए ब्लॉक लैंडस्लाइडिंग, यहाँ पे ब्लॉक्स बन जाते हैं, रॉक फॉल, टॉपल, डेप्रेक, क्रीप, अर्थ फ्लो, अलग अलग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. तो इनके डायग्राम्स को आपको दिमाग में सेट करके रखना है, जिससे क्योंकि आपको नहीं पता ना इसमें कौन सा आ जाएगा तो कितनों को याद करोगे. तो आप अच्छा होगा कि थोड़ा सा लाइन से सेट बना देना डायग्राम का, और उसके बाद जो भी आपको दिमाग में याद आ रहा है उसके लिए डिफिनेशन तैयार कर लिख दो. और ये है सेटलमेंट ऑफ सॉइल. आप देख रहे होंगे कभी कभी आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट, और कभी कभी तो होता है टिपिंग सेटलमेंट, मतलब एक साइड से डाउन हो जाता है, और कभी कभी
डिफरेंशियल क्रैक्स, मतलब बीच में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कभी सॉइल टेस्टिंग किया और सॉइल टेस्टिंग हमने सिर्फ इस पोर्शन का किया और इधर का स्ट्रेंथ तो अच्छा था, उसके हिसाब से हमने डिजाइन बना दिया, इधर का हमने सॉइल सैंपल नहीं लिया था, और फिर होता क्या है, फिर आपका बिल्डिंग इस तरीके से फेल्योर होता है। इसलिए कभी भी आपको बिल्डिंग बनाना है तो कम से कम 3 से 4 जगहों का सैंपल लीजिए, पीछे बैक में और उसके बाद कॉर्नर कॉर्नर, सो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट क्या यहाँ की सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी से ही फाउंडेशन का मेन डिज़ाइन होता है। सो उसको बहुत ध्यान से करना चाहिए। इफ द स्ट्रेस चेंज इन द सॉइल और इन द करेंटली बिल्ड अर्थ स्ट्रक्चर कॉज्ड बाई ग्राउंड वाटर सरफेस सरचार्ज इज नोन, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द सॉइल डिफॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपको द सॉइल डिफॉर्मेशन इज जनरली इंक्लाइंड एंड इट्स वर्टिकल, अभी आपने देखा कॉम्पैक्टेड एंड इस टर्म्स द सेटलमेंट। ओके, तो इस तरीके से इसके कुछ इंपॉर्टेंट, और इसके बाद बेयरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे अलग अलग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पूछा जा सकता है, अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी और नेट बेयरिंग कैपेसिटी, इसे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे जो एग्जाम हो। मोड्स ऑफ शेयर फेल्योर्स, अलग अलग टाइप्स के फेल्योर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जनरल शेयर फेल्योर्स, लोकल शेयर फेल्योर्स और पंचिंग शेयर फेल्योर, बहुत पूछा जाता है पंचिंग। पंचिंग मीन्स लोकल शेयर फोर्स जो पड़ता है उससे जो फेल्योर होता है वो पंचिंग शेयर कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये शॉर्ट नोट्स कैसा लगा आपको जियोटेक का? अगर आपको अच्छा लगा है, मैं इसी तरीके से और सारे शॉर्ट्स नोट्स तैयार करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बस उसके लिए कुछ नहीं करना है यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। साथ ही साथ क्या क्या होता है, देखो मुझे जब हम लोग टाइम देते हैं इस पे तो हमें भी कुछ ना कुछ फंड की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने क्या किया, अभी एक और हमने चैनल बनाया दैट इज़ यूनिक आकाश, उस पर हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट और जो लेटेस्ट न्यूज़ होते हैं जो कंट्री में जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आवाज़ उठानी चाहिए, वो सारे न्यूज़ हम अपने अंदाज में लेके आते हैं। तो अगर आप इस चैनल को देखते हो बहुत अच्छी बात है, हमें अगर फॉलो कर रहे हो तो धन्यवाद, और इसके साथ ही साथ आप चले जाइए यूनिक आकाश पे और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पे आपको जो भी मेरे अंदर का जो इनर टैलेंट है थोड़ा बहुत वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, तो अच्छा होगा कि उसको भी आप लोग देखिए, और साथ ही साथ उसको तो वो एक्चुअली ये सिविल इंजीनियरिंग का चैनल है तो इसमें हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, बट वो ऐसा है कि आप किसी को भी बता सकते हो कि देखो यार हमारे एक सर हैं जो कुछ इस तरीके से न्यूज अपने अंदाज में बोलते हैं, सर्वे करके लेके आते हैं न्यूज़ में क्या फैक्ट है एक्चुअली, क्या फेक न्यूज़ गोदी मीडिया से फैला रही है, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ यूनिक आकाश पे जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए यार, जिससे कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।